हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो पैसेजेस के क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, किस तरीके से हम कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके पहले मैंने 2022 में जो भी बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना, बैंक एग्जाम स्ट्रैटेजीज 2022। उसमें आपको इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, रीजनिंग की, क्वांट्स की, जनरल अवेयरनेस की। तो उन स्ट्रैटेजीज को अभी तक नहीं देखा है तो देख के फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपको वाकई में बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। और कोई भी चीज, अभी देखो बहुत सारे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बहुत सारे बैंक एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आने वाला है। तो बैठो मत, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब पैरा जंबल्स पे भी वीडियो मैं इसके बाद ले आऊंगी, और एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी कि कैसे आप एडिटोरियल को सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनर में पढ़ सकते हो, तो उस पे भी वीडियो मैं लेके आ जाऊंगी एक दो दिन के अंदर ही अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उस पे बात कर लेते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो आरसीज होते हैं, जो पैसेजेस होते हैं, वो सबसे ज्यादा इजी टारगेट होता है, ठीक है। किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो जो आरसी के क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा इजी होते हैं। इजी क्यों? क्योंकि आप एक पैसेज को पढ़ के 5 क्वेश्चंस मिनिमम आंसर कर सकते हो आराम से, अगर 5 क्वेश्चंस उस आरसी से आते हैं। कई बार 6 क्वेश्चंस भी आते हैं, 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको कम टाइम में बहुत सारा बेनिफिट देके जाते हैं, ठीक है। दो भले ये कितने इजी हो, लेकिन आपको सबसे पहले आरसी को सॉल्व नहीं करना है। पहले आप मिसलिनियस जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं उन सबको सॉल्व करके लास्ट में आपको आरसी को पढ़ना है और उसको आंसर करना है, ठीक है। बाकी इसमें और क्या चीजें होती है वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे आप अप्रोच करोगे। देखो, इसको आप फास्ट रीड करना चाहते हो तो एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप एडिटोरियल पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया है। अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं वीडियो ले आऊंगी। बाकी इसमें अब आपको कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। आरसी को कभी भी आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं है। पहले आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को पढ़ के कीवर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। कई सारे क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, कुछ में तो डायरेक्ट कीवर्ड पूछा जाता है कि पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। कई सारे पैसेज में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कौन से इनकरेक्ट हैं, तो उनको आप पैसेज को पढ़ने के बाद ही आंसर करोगे, उसको हटा देना। कई सारे ये क्वेश्चंस होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड, सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम पूछते हैं, जो बोल्ड लेटर में पैसेज के अंदर दिए रहते हैं। फिलर्स भी पूछे जाते हैं, एक फिलर दे दिया, दो फिलर दे दिए, उसके क्वेश्चन आ गए। या ईडियम का भी कुछ पूछे जाते हैं कि ये ईडियम जो पैसेज में दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। तो ये जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। हाथों हाथ आपको उसको आंसर कर लेना है। कैसे करना है, जो भी सिनोनिम पूछा है उसमें जो वर्ड आया है आपको पैसेज को स्क्रॉल करना है, उसमें बोल्ड लेटर में दिया ही रहता है, उसको उस स्टेटमेंट को पढ़ो। इवन अगर आपको उस वोकैबुलरी का मतलब नहीं भी पता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा और आप आराम से उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से सही आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज तभी डेवलप होगी जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, सिर्फ उसी से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और आपको बिना वर्ड का मतलब समझे भी आपको स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। ये चीज सिर्फ एडिटोरियल से डेवलप होती है, इसलिए एडिटोरियल को पढ़ते रहो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, आपने वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली आपने हाथों हाथ उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना शुरू करना है। अब पैसेज को जब भी आप पढ़ोगे तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना, ठीक है। जो आसपास का शोरगुल होता है उसको हटा के बिल्कुल दिमाग आपका पूरा पैसेज के अंदर होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा 100% होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पैसेज के वो हम लीव कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पैसेज फिर से पढ़ना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो वो फिर से ना पढ़ना पड़े इसके लिए पहली बार में ही अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक चीज तो मैंने बोला, अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो या एक एक वर्ड का मीनिंग सोचते हुए चल रहे हो कि इस वर्ड का क्या मतलब होगा, स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, ये नहीं करना है। आपको स्किमिंग करनी है। स्किमिंग मतलब आपको पैसेज को पढ़ना है,
अगर आपको बीच में कोई भी ऐसे वर्ड आए जिनका मतलब आपको नहीं पता है, ऐसे कई सारे वर्ड्स आते ही हैं हर पैसेज में, ऐसे होते हैं कुछ ऐसी वोकैबुलरीज होती है जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है, तो उसपे आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। वो वर्ड्स जो होते हैं उसको आप बस लीव कर दो, जिसमें प्रोनंसिएशन भी थोड़ा मुश्किल होता है तो उसको तो आप पढ़ो ही मत, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ने बैठ गए कि उसका क्या प्रोनंसिएशन होता है, ये चीज कभी भी मत करना। उसका मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि आप जब पैसेज पढ़ो तो आपको पूरा पैसेज समझ में आए, पैसेज में हर एक वर्ड का मतलब समझ में आए, ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी क्या होता है कि जब आपने पैसेज को स्किम किया, आपने एक बार पढ़ लिया उसको, तो उसमें आपको जो पैसेज का मेन थीम है कि पैसेज बोलना क्या चाहता है वो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उसका थीम समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि पैसेज को पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी वर्ड के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि उससे आपके पैसेज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपको फिर भी उतना ही समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसमें पता है, मैं इवन आज भी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे आरसीज में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते ही हैं जिनका मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, स्टिल मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती हूँ और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उन पे परेशान नहीं होती हूँ, उनको लेके नहीं बैठ जाती हूँ, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई है कि इवन अगर मुझे पूरे पैसेज में से 3-4 स्टेटमेंट्स का मतलब नहीं भी समझ में आया, फिर भी मुझे मेन थीम समझ में आ जाती है, और वो सिर्फ एडिटोरियल रीड करने से ही आपकी डेवलप होती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको वो जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें जो भी कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स को दिमाग में आपने रखा ही हुआ है, पैसेज पढ़ रहे हो आप, वो कीवर्ड आपको कहीं भी मिला, उसकी आपने उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा और उस क्वेश्चन को खोल के उसका आंसर कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर्स कर देने हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, इवन कई सारे नहीं, मतलब जैसे 5 क्वेश्चंस आए एक पैसेज में, तो उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जो टफ है, जिसके ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं, उसको स्किप कर देना है, ज्यादा टेंशन उस पर नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स में आपके पास टाइम कम होता है। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं इंग्लिश में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लेके नहीं बैठ जाना है उसको, ठीक है, जाने दो। अगर नहीं भी मन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस जब लास्ट में टाइम बचेगा तो उसमें आप वापस उस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपनी एक्यूरेसी भी डेवलप कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी आंसर कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी, मैंने बता दी है, फॉलो करो इसको और बताओ कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी से बेनिफिट मिलता है तो। और मैं ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए और लेके आने वाली हूँ, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद वाला जस्ट वीडियो यही होने वाला है कि एडिटोरियल को पढ़ने का सही तरीका क्या है, पैरा जंबल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, SBI जूनियर एसोसिएट का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, और कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखनी है, क्या चीज है जो आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस दिला सकती है। ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने प्लान करके रखे हैं, आने वाले हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, वरना नोटिफिकेशन कैसे आएगा आपके पास। और बाकी टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया है, उस पर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है मैंने कि डिस्कशन ग्रुप है वहां पे एक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, @0shivani ये चैनल का नाम है और @0shivani21 ये डिस्कशन ग्रुप का नाम है, उसको आप ज्वाइन कर लो और वहां पे एक घंटे के लिए हम डिस्कशन करते हैं रात में 8 से 9 बजे, वहां पे जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो आप आके। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।